शर्मा ने टीम इंडिया के स्पाइडरमैन यानी कि ऋषभ पंत उनको लेकर एक बड़ा बयान दिया। वो बयान क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रोहित शर्मा जब ऋषभ पंत के बारे में बात कर रहे थे एक जगह, तो उन्होंने ये साफ तौर पर बोला कि ऋषभ पंत जिस तरह की बल्लेबाजी करते आए हैं अभी तक, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो बल्लेबाजी का जो उनका खेलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो बदलें। जिस तरह से उनकी एग्रेसिव अप्रोच है, फियरलेस अप्रोच है, उसी अप्रोच से उनको खेलना चाहिए, उसी तरह से उन्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको वापसी करनी चाहिए। जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो सिर्फ अपने लिए खेलते हुए नजर आते हैं टीम के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऋषभ हमेशा से यहाँ पर टीम के लिए खेलता है, हमेशा से टीम को प्रायोरिटी में रखता है, अपने आप को सेकेंडरी रखता है यहाँ पर, तो इस बात पर हम सवाल उठा ही नहीं सकते। हमें याद है यहाँ पर अगर आप देखें गाबा की जो इनिंग्स थी वहाँ पर जिस तरह से एग्रेसिव इंटेंट उन्होंने और शुभमन गिल ने दिखाया था वो लगातार अच्छी पारी थी। अगर आप बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ थर्ड ओडीआई में जो वनडे सीरीज थी 2022 में, वहाँ पर भी जहाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली सब लोग आउट हो गए थे और कहीं ना कहीं लगने लगा था कि यहाँ पर टीम इंडिया हार जाएगी, सीरीज भी हार जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत वहाँ खड़े रहे, डटे रहे, लगातार उन्होंने रन बनाए वहाँ पर, शतक जड़ा और टीम इंडिया को मैच भी जितवाया और साथ ही साथ सीरीज भी यहाँ पर टीम इंडिया के नाम हुई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि उनके ऊपर जो सवाल निशान हमेशा ऋषभ पंत के ऊपर खड़े होते हैं कि उनका फॉर्म कई बार कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, कई बार उनके साथ दिक्कतें होती है कि वो उल जलूल यहाँ पर शॉर्ट्स खेल के आउट जाते हैं, फैंस कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का कहना है कि जो अप्रोच है, जो जिस तरह से वो खेलते हुए नजर आते हैं, वैसे ही खेलें, वैसे ही सोचें और उसी तरह से आगे बढ़ते रहें।